गाते हैं, जेएस भी गाते हैं। मंगल में गुरु के पग पंकज, मंगल में गुरु की प्रिय वाणी, मंगल में गुरु की दिनचर्या, मंगल में गुरु भक्ति बखानी, मंगल में गुरु के शुभ दर्शन, मंगल में गुरु की किया मानी, मंगल में नाख से गुरु मूर्ति वेद पुराण गानी। बोलिए बोलिए महाराज की जय। नमो नमो व्रज भानुजा, नमो नमो सुखरास, नमो नमो अश्विन करण, मम गुर करो जय जय श्री राम। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी।
राधे राधे।
जय श्री कृष्ण।
चाहते हो इस पद तो है।
दोनों का काम ठीक है, दोनों का आता है। उनका स्टार्टिंग नाम ये, मेरा स्टार्टिंग नेम भी ये भी ऑडियो वीडियो Thank you.
Yeah.
कल्पे सतखनन्तरे अष्टविंशति कलियुगस्य प्रथमाध्यायाम् विंशतो शुभ संवत्सरे शुभ अयने संयुतायांद्रमासी यहां उपस्थित सौमादीजोगुत्तकादीसु जम्बूदीपे भारतखंडे मेधीभूत सुमेरु दक्षिणे लवण उत्तरे कोणे गंगाया जमुनाया दक्षिण भागे श्री केशव जी भूर्य मठ प्रांगणे श्री राधा दुर्गारी गौरा हरि तथा श्रीराज गोवर्धन श्री श्री गुरु पार्वती सान्निध्ये इदं वैष्णव ब्राह्मण प्रेम राधा कृष्ण प्रेम वृत्तार्थे श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताहव्यापी कथामृत श्रवण कीर्तना करिष्ये श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अपने अपने नाम ले लीजिए विजय कृष्ण अपने अपने नाम लीजिए बोलो ब्राह्मण वैष्णव भारत वर्षाख पूर्ण भूप्रदेश अच्युत अच्युत अपने नाम लीजिए महाराज अपने अपने नाम लीजिए वेदांत नारायण गोस्वामी शाखायां तदीय गोत्र अहं विष्णु समर्पये पुष्पांजलि अहं अच्छा हाँ प्रभु जी भागवत ये हमारे चांद ले मोती पात ये पात
Thank you.
है ना से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट अंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट अंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट अंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान मदीय ज्येष्ठ गुरुभ्राता सतीर्थ प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज प्रपूज्य चरण श्रीपाद नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु शत्रुवृंद सभी के मेरा सादर अभिनंदन। यदि मेरा कथा यदि अधिक इको हो रहे तो पीछे सुनाई नहीं पड़ रहे हैं तो ये इको थोड़ा कम कर दें। श्री श्री गुरु गौरांग नित्यानंद प्रभु और सभी गुरुवर्ग की अहित की कृपा से हम लोग पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा श्रवण कीर्तन करने के लिए हम जा रहे हैं। अभी अभी आप लोगों ने पुरुषोत्तम महीने की महिमा में श्रवण किया, विशेष करके पुरुषोत्तम महीने में कथा भागवत कथा आदि श्रवण के फल कौन वर्णन कर सकते हैं। यद्यपि शास्त्र में लिखा गया देखो बैसाख महीने में श्रावण महीने में और कार्तिक महीने में माघ महीने में भागवत कथा की महिमा भी लिखा गया श्रवण करने के लिए विशेष, किंतु एक अधिक मास व पुरुषोत्तम मास तो हर साल नहीं आती है। कब आते हैं? केवल अरे चार साल की, तीन साल के बाद, वो भी तीन साल में नहीं है, दो साल करीब आठ महीने और कुछ दिनों के बाद आते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, समय भी होती दुर्लभ भी है। अभी हमारे महाराज जी द्वय बहुत सुंदर रूप में भागवत कथा की महत्व श्रवण भी कराया, उसी कड़ी में मैं दो एक शब्द टूटी फूटी भाषा में आप लोग के निकट कहने के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग सब महानुभाव है, कौन किस रूप में आए हैं और किस रूप में भजन कर रहे हैं कौन जाने हैं, इसलिए सभी श्रोताओं के और सभी जनों के मेरा दंडवत प्रणाम, इसमें मेरा कोई त्रुटि हो वा भूल हो वो क्षमा करें। अभी श्री महाराज जी ने भी सुंदर रूप में ये भागवत की चार अर्थ चार वर्ण की अर्थ सुंदर रूप में बताया। पंडितों की भाषाओं और पंडितों के वर्णन तो अपार है, जो भाग माने भागवतम
भाव मानी जो प्रकाश, जैसे हम भांडीर वर्ड में जाते हैं, भंड शब्द के अर्थ होता है प्रकाश होता है। जहाँ पर कृष्ण के इतने गुज्जती गुज्जतम लीला कथाओं जो है ये भागवत में प्रकाश कराया गया, जिससे स्वयं कृष्ण के जो है नित्य गिलोक वृंदावन धाम में अपने परिकरों के साथ इस धाम में प्रकट करना पड़ा है, प्रकट करना पड़ा। वो कौन सा लीला जो वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में नहीं हुआ, उसी लीलाओं के जैसे स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से, कहां से, आपके घर से नहीं, दिल्ली से नहीं, कहां से भैया, नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकर से प्रकट कराया। वो कौन सा लीला जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देवाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जासुक्वा तत्परो भवेत्। देखो कितने सुंदर श्लोक में बोल रहे हैं, और कहीं मिलेगा नहीं ये सब कथा। आप वैकुंठ में चले जाए रासलीला की कथा नहीं मिलेगी, ये रासलीला की जो है जिसे अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमासितम्, संग भगवान नित्य परिकरों के साथ वो समस्त लीला को जगत में प्रकट कराया, वैकुंठ आदि में रासलीला नहीं है। यद्यपि अनेक लोगों के पता नहीं है रासलीला क्या है, जानते हैं सब, किंतु देखो ऐसे भगवान ऐसे जगत में लीला को प्रकट कराया। ये कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमासितम्, ठीक बिल्कुल मनुष्य के भांति लीला आदि करते जा रहे हैं, अनुग्रह कर दिया मंत्र पर। वैकुंठ में रहने वाले लोगों के उनके पता ही भी नहीं है रासलीला क्या है, अयोध्या में ये भी संभव नहीं है, द्वारिकापुरी में भी संभव नहीं है, केवल मात्र गोलोक वृंदावन में। और उसी कथा को जो है श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट इस कथा को प्रकाश किया, इसलिए भा शब्द शब्द के अर्थ होता है प्रकाश। क्या चीज प्रकाश किया, ये कौन सा चीज अत्यंत गोपनीय गुप्त था, गुप्त समझते जो बहुत गोपन था, उस कथा को प्रकाश किया। बोले वही कथा जो है दास, इसलिए कहते हैं दास वासलादी नहीं ये सब गोचर, सब एक सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करे तथा सखी लीला आस्वादय। जो दासरस के भक्त हनुमान आदि के संभव नहीं है, सखरस के भक्त ये भी संभव नहीं है, अर्जुन आदि के लिए भी संभव नहीं है वो लीला में प्रवेश करना, वात्सल्य माँ यशोदा अथवा देवकी देवकी वसुदेव की भी संभव नहीं, केवल वो सखी भाव की कथा। आगे आगे हम कथा में बोलते जाएंगे, इसलिए इसी की कथा है भाव ने प्रकाश, कौन सा लीला को प्रकाश किया जगत में। ये ब्रजभूमि है, कितने सुंदर मधुर कथा है, हमारे जैसे प्रभु जी इतने सुंदर मधुर कीर्तन करते चाह रहे हैं, मैंने कहते भागवत हम क्या बोलेंगे, प्रभु जी और कीर्तन करें और कीर्तन करें, आनंद ले श्रोता लोग, क्या क्या करें, आनंद ग्रहण करें, आनंद ले, आनंद महाप्रसाद तो ही है। इसलिए महाराज जी ने कहा ये भागवती भा शब्द कहते हैं प्रकाश, गौ शब्द गरिष्ठ, गरिष्ठ के श्रेष्ठ जिसे गरिमा, जितने भी ग्रंथ लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, सर्व वेदांत सारंगी श्रीमद् भागवत मिश्रते, समस्त वेद पुराण उपनिषद के निचोड़ निष्कर्ष क्या है, ये श्रीमद् भागवत में। और ये श्रीमद् भागवत में थोड़ी सी सात रुचि कचित, सामान्य रूप में किसी को यदि भागवत कथा में रुचि हो जाए और किसी कथा में रुचि नहीं लगेगी, जैसे रुचि कैसे किसको कहते हैं, जब कहा जाता हूँ जैसे भूख लगे तो आपके पास जैसे भी व्यंजन आ जाए भोजन आ जाए आँख बंद करके आप खाओगे, और यदि आपके भूख नहीं लगे मंद भूख जिसको कहा जाए भूख नहीं है, है? मंदाग्नि कहा गया शरीर में पेट में जो अग्नि समाप्त हो चुका है, उनके पास लाड्डू कचौड़ी जितने प्रकार के स्वादिष्ट करिष्ट माधुर्य जितने भी आ जाए, कहते हैं
अच्छा नहीं, इसे कमी है, कहीं नहीं कि इसे कम है नौमा, पहले तो कहेंगे भाई ये किसने बनाया, वो ब्राह्मण बनाया कि दूसरी कोई बनाया, ठाकुर जी के भाई कौन से ठाकुर जी के भोग लगाया, फिर तीसरी कहेंगे इसमें नमक कम है, ये कम है, वो कम है, किंतु यदि किसी को यदि रुचि माने भूख प्रबल लगे, इतने भूख लगते हैं बस भजन सामग्री आने के साथ ही साथ वो आस्वादन गए। इसलिए श्रीमद् भागवत कहें साधु साधु पदे पदे, भागवत की कथा अमृत ऐसे है प्रति पग पग में आपको कैसे साधु साधु पदे पदे आहा इतने आहा कहते हो। हम लोग जब कोई खाते हैं ना क्या कहते हैं, आहा आज कैसे सुंदर बनाया, आहा है जग में हम क्या कहते हैं स्वाहा, ओम विषक सेनाय स्वाहा, जजमान कहते हैं आहा, क्या बोला ब्राह्मण कहते हैं क्या स्वाहा है, आज जजमान कहते हैं क्या आहा, माने जल्दी जल्दी भाई तक छो करो हमें भूख लग रहे हैं भाई, भूख लग रही है ना इसलिए कहता है आहा, किंतु नहीं नहीं भागवत कथा में कहता है ये आहा माने आहा आहा कितने आनंद 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 मुदी वर्धनम, जिस माने महाप्रभु कह रहे हैं चेत दर्पण मार्जनम बब माह दावन निर्वापनम श्रेय कैर चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंद मुदी वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम सर्वात्म समर्पणं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आनंद है भगवत कथा में नाम में, इसलिए जितने भी ग्रंथ है इसलिए श्रीमद् भागवत के नाम क्या दिया गया, पुराण सम्राट है, अनेकों राजा के जो आधिपत्य विस्तार करते हैं उसके कहा जाता है क्या सम्राट कहा जाए, एक राजा होता है और एक महाराजा होता है और इसके ऊपर एक होता है सम्राट, समस्त राजाओं की जो आधिपत्य विस्तार करते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत के कहा जाता है पुराण सम्राट कहा जाता है, इसलिए इसके नाम दिया है गरिष्ठ। फिर तो शब्द करता है भागवत मन भाग में बहुत शब्द थे बास, भगवान सबके हृदय में कण 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 में बास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, हैं आपके हृदय में हमारे हृदय में सबके हृदय में वो निवास करते हैं, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बास करते हैं। तो शब्द से त्राण रक्षा करते हैं वो हैं, देखो भगवान यदि रक्षा करे हैं उसकी कोई मार नहीं सकते। इसलिए बंगला में एक शब्द आता है क्या बोले, राखे हरी मारे के और मारे हरी राखे के, यदि भगवान की रक्षा करें कोई आपको मार नहीं सकता, और यदि भगवान चाहे आपके मारना तो कौन रक्षा करेंगे। जयद्रथ के रक्षा करने के लिए क्या बोले कौरव लोग कितने प्रयास किया, आगे की कथा हम वर्णन करेंगे महाभारत में, जिन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हत्या किया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली काल सूर्योस्त के पहले ही, जयद्रथ के यदि मैं वध नहीं किया तो मैं अग्नि में समाधि ले लूंगा, महाभारत में कथा आ रही। देखो भक्तवत्सल भगवान अर्जुन जब प्रतिज्ञा लिया, भगवान कहते हैं मेरे भक्त जब प्रतिज्ञा लेते हैं उसको मैं रक्षा करूंगा, घनाघोर युद्ध होने लगे और सारे कौरव लोग सारे कौरव दुर्योधन दुशासन द्रोणाचार्य ये जितने सब थे उनको बहुत दूर रखा, ऐसे से बड़े बड़े महारथी को भेद करके और सूर्यास्त के पहले और उनके पास जाना संभव नहीं है। उस समय भगवान ने क्या की, देखो एक माया रचा दिया सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य को ढक दिया, देखा तो सब लोग देख रहे सूर्य अस्त होते जा रहे, सूर्य अस्त हो ही है, आहा अर्जुन ने किया कि बंद हो गया युद्ध, अर्जुन विधि के अनुसार
स्वयं भगवान बोले अर्जुन तुम प्रतिज्ञा जो किया करो, अग्नि में समाधि लो। अग्नि में समाधि मिल जाने के लिए जा रहे थे ने? और जयद्रथ अभी सब देखने के लिए क्यों, ये अर्जुन मर जाए तो पांडव में ऐसे कोई वीर नहीं है जो हम लोग जी पराजित करें। केवल तो अर्जुन तो एकमात्र बस, इसलिए जयद्रथ आ गए सामने। भगवान कैसे देखो, जिसको रक्षा करने वाले हैं और मारने वाले हैं। और अर्जुन जब जाने लगे, अर्जुन जब अग्नि में समाधि जाने के लिए समाधि में ले जा रहे हैं, तब भगवान बोले अर्जुन तुम अपने तो गांडीव हाथ में लेकर के जाओ। बोले गांडीव क्या काम में आएगा, अरे ले तो चलो ना, चलो भगवान की आदेश है। अर्जुन ने क्या की, गांडीव लेकर के चले और बस भगवान बोले अर्जुन तीर धनु तुम गांडीव को जो है पकड़ो ठीक से। बोले क्यों, ये दुष्ट दुराचारी जयद्रथ, जयद्रथ है ना, मारो इसको। और साथ ही साथ बोले नहीं संध्या हुआ, संध्या शाम कहां हो गया, स्वयं भगवान ने सुदर्शन चक्र को हटा लिया, देखा को सूर्य अभी तक भी ऊपर है आकाश में अवस्था है। और सब भगने सब कर गए, ये अन्याय है, ये निरस्त्री है, इसके ऊपर अस्त्र नहीं है। भगवान बोले अच्छा, सात रथी मिल करके अभिमन्यु के निरस्त्र अवस्था में हत्या किया, उस समय तो ये बात तुम्हारी नहीं था, आज भगवान बोले अर्जुन मारो उसको, मार दो। जयद्रथ बहुत भी वो भी कम नहीं था, जिसके जयद्रथ की बार ऐसी था उनके सिर यदि मिट्टी में पड़ जाए, जो काटेगा उनके सिर वो उसका ही सिर उड़ जाएगा है। भगवान ने कहा अर्जुन एक काम करो, इसको सिर को काटने के पहले देखो सिर काट करके कहाँ ले चलो, उनके पिताजी, क्या नाम उनके पिताजी, जयद्रथ के पिताजी जल तर्पण कर रहे थे, और ठीक अर्जुन ने किया कि उसको सिर को लेकर के हाथ में रख दिया स्वाहा, बस उनके हाथ से ही पिताजी के, उनके पिताजी के हाथ से ही मिट्टी पर पृथ्वी पर गिरने के साथ उसके पिताजी भी मर गए। देखो यदि भगवान किसको मारना चाहे तो कोई रक्षा नहीं बचाना चाहे, कौन रक्षा कर सकता, बचा नहीं है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाया है, और उस समय उत्तरा के गर्भ में ही परीक्षित महाराज थे, इसे नाम ही हम जो भागवत में जो आ रहे हैं परीक्षित शब्द के अर्थ के परिपन प्रकृति में इक्षित दर्शन किया, इसके नाम है विष्णुराज भी कहा जाता है। विष्णु शब्द कैसे भगवान, राज शब्द का रक्षा, संग भगवान इसको रक्षा करते हैं, इसलिए परीक्षित के एक नाम है विष्णु, रात भी शब्द आता है। देखो उसकी ब्रह्मास्त्र की भी क्या कर दिया, रोक दिया है। स्वयं भगवान कृष्ण एक स्वरूप में पांडवों के साथ रहे और एक स्वरूप में उत्तर के गर्भ में प्रवेश किया, और प्रवेश करके अपने गदा के द्वारा वो ब्रह्मास्त्र के भी चूर्ण विचूर्ण है। इसलिए परीक्षित नाम इसलिए पड़ा, जब मातृगर्भ से मैं मातृगर्भ में जिसको मैं देखा अभी वही देख रहे हो, इसलिए बार बार इच्छन करने लगे, परीक्ष इच्छन प्रकृति में इच्छन माने देखने, इसलिए मेरे कहने की ये तात्पर्य है ये भागवत इसलिए कहते हैं जो रक्षा करने वाले है। हम लोग सभी आज कोरोना के भय से डर है, ठीक है बातें सत्य है, किंतु यदि भगवान यदि रक्षा करें कोई डॉक्टर आप कोई आपको कुछ नहीं कर सकते, और यदि भगवान चाहें कि मृत्यु कौन करा सकते हैं भाई है? दो डॉक्टर जा जबरदस्ती करके दो चार घंटे जो है वेंटिलेटर में रख देंगे आपके आर्टिफिशियल, आपको हार्ट को चलाएंगे देखो जीवित है, किंतु सत्य नहीं है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं ये भागवत की ऐसे श्रेष्ठ पुराण अमल पुराण, इसलिए हमारे ऋषिगण
यही भागवत की अनुगत कहते जाते। भारतीय सभ्यता संस्कृति वेदों के ऊपर स्थापित हुई, विद धातु जानना। ये वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। कृष्ण दैवानंद वेद व्यास यद्यपि लिखित रूप में वेदों की प्रकाश किया, किंतु ये वेद कहा जाता है अपौरुषीय वाक्य। क्या शब्द बताया, कहाँ गए वकील साहब, काल क्या क्या कहा था, अपौरुषीय वाक्य माने कोई मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है, पुरुष के द्वारा नहीं है, ये साक्षात भगवान की मुखमनिश्चित वाणी स्वयं भगवान बोलते जा रहे हैं। इसमें सार दोष नहीं है। भैया ये कथा सुन लो, बद्ध जीव में चार दोष है, कितने दोष है, पांच छह, कितने दोष है, क्या क्या चार दोष है, भ्रम प्रमाद कारणपट और विप्रलिप्सा। किंतु भगवान में ये चार दोष नहीं है, है? इसलिए वेद वाणी को इसे सत्य प्रमाण माना जाता है। समय संक्षेप है, हम इसलिए अधिक नहीं बढ़ाते जाने कथा को। जैसे इसलिए कहते हैं सत प्रमाण ही वेदम, वेद जो है सत प्रमाण है, किसी के तरह प्रमाण आपके ये करना नहीं पड़ता है, एक स्वयं होता है, स्वयं ही वो प्रकाशमान है वेद। वेदों में अनेकों कथा लिखा गया है, किंतु वेद वस्तु तो एक कल्प वृक्ष कहा गया, जिस कल्प वृक्ष के नीचे जाए जो जैसे चाहते हैं वो फल देते हैं। कर्मी व्यक्ति कर्म के फल चाहते हैं, इसे कर्मफल दे देते हैं। ज्ञानी ज्ञान के फल चाहते हैं, मुक्ति के चाहते हैं, वो मुक्ति दे देते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, जो जिसे भावना चिंता लेकर के बैठे हैं, जिस भावना चिंता लेकर के आप श्रवण कर रहे हैं, आपको फल प्राप्त करेंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए कहा जाता है त्रिगुणा विषय वेदा नैस्तर्गुणा भवार्जुनम। भगवान भी कहते हैं हे अर्जुन, मैंने जो वेद की कथा तुम्हें बताया ये भी त्रिगुणात्मक है, तुम निर्गुण बनो, किसी प्रकार फल की आकांक्षा व इच्छा मत रखो। एक ही बल एक ही इच्छा रखो, कैसे हमारे भगवत भक्ति हो, प्रेम हो। इसी नीति शास्त्र में कहते हैं माया ही जस जगदंड सतानी सूते त्रिगुण तद विषया वेद विताय माना सत्तावलंबी पर सत्तंग विशुद्ध सत्तंग गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। इसी प्रकार हमारे व्यासदेव जी ने वेदों की तो प्रकाश किया, किंतु वेद अतीव कठिन शब्द भी है, वेदों की भाषा सबके बोधगम्य नहीं, सब लोग समझ नहीं पाते। इसलिए फिर व्यासदेव ने उन्होंने पुराण आदि लिखा, वो भी संभव नहीं हुआ लोगों के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, वेदांत सूत्र प्रकाश किया, वो भी संभव नहीं है। इसके बाद व्यासदेव जी ने पुराण ग्रंथ लिखा, सत्र पुराण उन्होंने लिख दिया, और अंतिम पुराण कहा जाता है अष्टादश पुराणम श्रीमद् भागवतम। यह भागवत जो है ऐसे एक सुंदर ग्रंथ है, इसलिए कहते हैं निगम कल्पतर दलित फलम सुकम खादम तदव समझुतम पीवत भागवत रस मालयम मुहुरहो रुसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष के जो है ऐसे सुंदर प्रपक्व है, पके हुए फल जिसमें कोई गुठली तक भी नहीं है, छिलका तक भी नहीं है, बल्कि ऐसे कोई फल है जिसे गुठली नहीं है। अच्छा गुठली नहीं है तो बहुत फल है, छिलका नहीं है, और इतने सुंदर प्रपक्व जो फल स्वादिष्ट सुमिष्ट है, इतने फल कैसे हमारे पास आ गया, बल्कि कैसे आया, कैसे भले गुरु परंपरा प्राप्त भेदवाणी अन्य प्राह। हमारे भक्ति मोहन ठाकुर कहते हैं गुरु परंपरा के द्वारा ही
ऐसे सुंदर प्रपक फल इसलिए कहें सर्व वेदांत सार ही श्रीमद भागवतम इष्यति। समस्त वेदांत की सार क्या है? ये श्रीमद भागवतम। यह श्रीमद भागवत इतने सुंदर ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ में किसी की एक बार रुचि हो जाए और किसी ग्रंथ की रुचि नहीं लगेगा। तदर्शाम तृप्त सातनक चित, और कोई ग्रंथ में रुचि नहीं लगेगा उसको। क्यों? बोले इसमें देखो और पुराने में जो है, जो लोग भागवत आदि पाठ आदि करते हैं, अध्ययन करते हैं, और पुराणों में कुछ लक्षण के द्वारा बताया जाता है। किसी में 5 लक्षण है, किसी 7 लक्षण है, किंतु श्रीमद् भागवत में कितने लक्षण बताया गया? 10 लक्षणम है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उथि मन्नंतर कथा ईशानु निरुद्ध मुक्ति आश्रय, इसके व्याख्या हम आगे करेंगे। इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात वांग्मय मूर्ति कहा जाता है। वांग्मय मूर्ति माने ये भाषा, शब्द की, भगवान की शब्द की साक्षात मूर्तमान ये श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम कितने स्कंद? श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग के संशय भी हो जाए, कुछ लोग कहते हैं ये भागवत बोधदेव का रचित है, किंतु कहते हैं ये नहीं है, ये साक्षात व्यासदेव की रचित है। इसके भी कारण भी दिखाया गया है। बहुत लोग कहेंगे ये बोधदेव नाम से कोई एक संत महात्मा थे और उन्होंने ये भागवत के ग्रंथ को प्रकाश किया। बोले ऐसे नहीं है, ये साक्षात सुकेन पठितम और स्वयं व्यासदेव इसको कथा कह रहे हैं। काल में जब लोगों की ऐसे होती चले, लोगों की बुद्धि भी इससे भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम कितने स्कंद है? 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम। यहाँ पर स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं, पद्म पुराण में इसके प्रमाण दे रहे हैं। पादो यदि तृतीयतुर्जो कथितो जदुरु नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठ भुजान्तरं दुर्जुगलं तथा कंठस्तु राजन ममो यदीय मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लं एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादि देवं करुणा सगले बोली तमादि देवं करुणा निधानं तमालवर्णं सुतावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवत स्वरूपं बलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। मैं समय पर ही विशेष अधिक समझ लूँ, फिर महाराज जी भी अंतिम कथा भी बोलेंगे और हमारे कीर्तन है बहुत मधुर कीर्तन। मैं तो ब्रज कीर्तन सुन करके मैं सोचता हूँ ये यही ब्रज कीर्तन चलते रहे, ब्रज प्रेमिक है हमारे सब लोग है। देखो हमारे प्रभु जी और ये सब कैसे ब्रज की कीर्तन, यही तो ब्रज की तो कथा है। दो शब्द के द्वारा मैं अपने वचन को भी समाप्त करना चाह रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवतम जो है, देखो प्रथम और द्वितीय स्कंद जो भगवान के 2 चरण कहा गया, तृतीय चतुर्थ जो है स्कंद के भगवान के दोनों उरु कहा गया, उरु माने थाई, इंग्लिश में थाई कहा जाता है। पंचम स्कंद जो है नाभि कहा जाता है, नाभि कमल भगवान की कहा जाता है। षष्ठ और सप्तम भगवान के 2 भुजाएं कहा जाता है। अष्टम भगवान के बक्षस्थल कहा जाता है। नवम कंठस्थो राजनम और दशम स्कंद मंजुहस्य युक्त अत्यंत सुंदर प्रफुल्ल है, वो क्या है? भगवान की मुखारविंदम है। भाई सब आपके मुख ढाक करके रखे कोई पता नहीं चलेगा,
इसलिए मुख के द्वारा ही हमें पहचान होता है। इसलिए भगवान के जितने भी कहा गया ना 64 प्रकार गुण में चार जो गुण जो है उस चार गुण में एक गुण विशेष विशिष्ट है, उसके स्वरूप लक्षण कहा जाता है। क्या वो क्या स्वरूप लक्षण ना? रूप माधुर्य, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, भगवान के चतुष्टय जो माधुर्य के बारे में कहा गया, वो माधुर्य में स्वरूप लक्षण की माधुर्य क्या बताया उनके स्वरूप रूप रूप माधुर्य। और रूप हमारे कहाँ पर होता है? मुखारविंदम मंजुहास्य युक्त, इतने सुंदर मन नमस्कार युक्त सुंदर भगवान की जय। मुखारविंदम बरहा पीड़ नट ब्रभोपु कर्ण कर्णिकारम विव्रत वासु कनक पीसं वयंत मालम रंधानु बेनु रधर सुदय पुरायन गोप बिंदई बिंदारण्यम सपद रमण गीति कीर्ति। कितने सुंदर भगवान के वर्णन होते जा रहे हैं। ये आगे हम लोग कथा भी श्रवण करेंगे। यह है दशम स्कंद श्रीमद भागवतम। भगवान के मुखारविंद कर मंजुहास्य युक्त, मंजुहास्य इतने सुंदर मंद मुस्कान युक्त, सभियों के लोभनीय नहीं है, सबको काम उत्पन्न करा देते हैं भाई, अपराधित काम जड़ी काम नहीं है। तासांग वही सौरी स्मयमान मुखाम्बुजम, यही श्लोक में आ रहे हैं। इतने सुंदर उनके मंद मुस्कान जो है कामदेव भी पराजित करने वाले हैं। दशम स्कंद श्रीमद भागवतम एकादश ललाट देश कहा गया और द्वादशम मस्तक कहा जाता है। इस श्रीमद भागवत में तीन तत्व की वर्णन किया गया, एक संबंध, एक उभिध्य और एक प्रयोजन तत्व इसमें वर्णन है। प्रथम स्कंद से लेकर के नवम स्कंद जो है इसमें कहा जाता है संबंध तत्व कहा गया, और एकादश और द्वादश स्कंद के कहा जाता है उभिध्य तत्व भी लिया जाता है। और दशम स्कंद श्रीमद भागवत को क्या कहा जाता है? प्रयोजन तत्व कहा जाता है। ये श्रीमद भागवतम इसलिए कहते हैं श्रीमद भागवतम पुराण सम्राट होने के नाते सभी पुराण आदि श्रीमद भागवत की भूरी भूरी प्रशंसा आदि करते हैं। इसलिए श्रीमद भागवत में सैन करें धर्म परिज्जित गैद वत्र परमा निर्मत सारांग सतंग वेदं वास्तुवत्र वस्तु सीवदं तापुत्र मूलम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परिरेश्वर सद्दो हृद अवरुद्धते कृति भी सुश्रुवि तत्क्षणात्। इसके तात्पर्य जो है सारे श्लोक के अर्थ नहीं बता रहा, बोले कि देखो कहीं भागवत कथा हो रही है, चल रही है, केवल आप इतने मन में सोच लिया मैं कथा सुनने के लिए मैं जाऊंगी सुश्रुभि, हम केवल इस कथा को इंटेंस दे रहे हैं। सुश्रुभि शब्द के अर्थ है सुनने की इच्छा, श्रवण करने की इच्छा, जे काल मैं जाऊंगी बा आज मैं जाऊंगा। बोले उसी प्रकार श्रवण इच्छा होने के साथ ही साथ स्वयं भगवान उस भक्त के हृदय में बैठ जाता है, और यदि चलते चलते किसी प्रकार से उसका हार्ट अटैक करके हार्ट अटैक हो गया, यदि मर गया, सो भगवत धाम को भी प्राप्त कर लेंगे, ऐसे भी हम टीकाकुर कहते हैं। और जो साक्षात आकर के भगवत धाम में बैठते, भगवत कथा में बैठते हैं, उसके फल क्या है आप बताइए? जैसे आप लोग बैठे हैं, जो नहीं आए हैं, चलो किसी कारण से आ नहीं पाया, किसी बुखार हो गया, कोई कारण हो गया, वो तो उनके भी भगवत धाम प्राप्ति होगी। किंतु जो लोग आप लोग नहीं, जो आप बन कर रहे हैं, और एक सोता आकर के पीछे आकर के जब माला ले लिया सो गया, कथा प्रारंभ हुई और सुपारी आदि काटने के लिए, वो भी एक प्रकार भी लोग होता है, माला झोली ले लेते हैं, पीछे बैठते हैं, अगल बगल में बैठते हैं, कथा न सुनते हैं न दूसरे की सुनने देते हैं, अरे ये काल ये हुआ वो हुआ बस नहीं, इसके श्रोता होना चाहिए। इसलिए श्रीमद भागवत महात्म की कथा में श्रवण करना चाहिए। मैं संक्षेप में भागवत महात्म की कथा बताता हूँ, इसके श्री महाराज जी फिर महाराज जी हमें कथा श्रवण कराएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। देखो श्रीमद भागवत में महात्म की श्रवण करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के महत्व के श्रवण करने से, ग्लोरिफिकेशन सुनने से हमारे उनके प्रति एक श्रद्धा बढ़ते हैं। बात ही सत्य है,
एक व्यक्ति के ग्लोरिफिकेशन जब सुनते हैं तो अब हमारे हृदय में जगते हैं, वो व्यक्ति कैसे हैं, उसे कैसे मिले है? होता है कि नहीं? इसलिए देखो श्रीमद् भागवत में पहले और अंत में भी महत्व कथा जो है वर्णन कर चुका है, और शास्त्र में अब यहाँ पर गोपी गीत में भी, गोपी रासलाग की कथा में भी महत्व भी लिखा गया है। आज ये भागवत की छोटा सा मैं ये कथा सुनाता हूँ। देखो बहुत प्राचीन काल में तुंगभद्रा के नदी के तट पर एक धनाढ्य ब्राह्मण रहते थे। उसके बहुत धन तो था किंतु बहुत कंजूस था, इसलिए भिक्षा वृत्ति के द्वारा भी अपने जीविका निर्वाह करते थे, भीख मांगते थे। लाखों करोड़ पैसा है, हम नहीं कर रहे भागवत में वर्णन है, धनाढ्य थे वो और समस्त प्रकार स्मार्त कर्म में निपुण भी थे। हैं लोगों के घर में जाकर विवाह करना, यहाँ तो कि मुर्दा दाह करने में जो होता है ना, हम तो जाते नहीं हैं मुर्दा जाते नहीं, वो भी समस्त प्रकार स्मार्त, जिसको कहते हैं स्मार्त कर्म में, किसी घर में लड़का हो गया लड़की हो गया सत्यवाजन करना सब कुछ, इसलिए कहते हैं स्मार्त कर्म में वो निपुण थे और बहुत धन एकत्रित कर लिया। और उनके एक सुंदर पत्नी भी थी, उनके पत्नी के क्या नाम कौन जानते हैं? धुंधुकारी, धुंधुली, क्या नाम है? आत्मदेव ब्राह्मण था वो। आत्मदेव ब्राह्मण के पत्नी के नाम क्या थी? धुंधुली। वो भी देखने में वो सुंदरी थी किंतु बहुत वो झगड़ालू थे। कोई व्यक्ति झगड़ालू बस है, पति जब घर में आ जाते हैं इतने सुंदर, आइए आइए चढ़, और पति जब घर से चले जाते हैं बाहर चले जाते हैं पड़ोसी से, इतना लड़ाई 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 झगड़ा, बहुत वो झगड़ालू थी। ऐसे करते करते उनके कुछ समय तो बीत गया, आधी जीवन की चला गया, किंतु उनके कोई पुत्र संतान नहीं हुई। इसलिए पुत्र संतान नहीं होने के नाते, भाई इतने धन संपत्ति तो हमारे पास है कमाया हैं, ये धन संपत्ति किस क्या करें? इसलिए उन्होंने किया कि अनेकों दान पुण्य आदि करना शुरू कर दिया है, अभी दान पुण्य आदि पुण्य शुरू कर दिया, किंतु उसके उससे कुछ फल नहीं हुआ, ना उसके पुत्र हुई ना उसके कन्या हुई है। इसलिए एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखित होकर के घर से बाहर जाकर के एक जंगल में के रास्ते में जाकर के बैठे बैठने रहे, भूख प्यास में तड़प रहे थे, और कोई सरोवर के निर्मल जल पान करके बैठे, और इतने समय एक संत महात्मा पधारे, जति महाराज, जति महाराज माने एक संत महात्मा। वो संत महाराज को देख करके चरण पकड़ करके रोने लगे, इसने रोने लगे, फुट फुट करके रोने लगे और सिर को कूटने लगे। संत महात्मा कहने लगे, हे ब्राह्मण देव आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने के कारण तो बताइए। कह बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे पास तो धन संपत्ति सब कुछ है, मैं दान पुण्य बहुत कुछ कर लिया किंतु मेरे कोई पुत्र संतान नहीं है, धिक तंग मेरा जीवन है। इसलिए तो पुत्र क्यों, पुत्र नामक नरक से त्राण करने वाले, इसलिए तो पुत्र कहा जाता है, पुत्र शब्द की इसीलिए कहा जाता है, पुत्र नामक नरक से हमें जो रक्षा करते हैं, इसलिए तो चाहते हैं मेरे एक पुत्र हो, कम से कम पितृ लोग आ रहे हैं इसमें श्राद्ध में हमें दे दे। अभी अभी गए ना, ब्राह्मण लोग करते हैं ना पितृ श्राद्ध आदि करते हैं, हम लोग तो वैष्णव लोग नहीं करते हैं। अमावस्या के दिन जितने भर किसको जो हो गया बोले अंतिम सबको एक साथ में कर दिया, हो गया है। तो कहते भाई अभी क्या करें, इसलिए वो रो रहे थे। जति महाराज बोले माने सन्यासी बोले, ये देखो मैं क्या कहूँ, देखो जन्म मृत्यु और विवाह ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रभु के हाथ में है, है? ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, और मैं भी त्रिकालज्ञ हूँ, मैं देख रहा हूँ। अरे एक जन्म, इस जन्म की बात छोड़ दे, सप्त जन्मों वधा अवधि, सात जन्म तक तुम्हारे के पुत्र संतान नहीं होगा। बोले महाराज आप तो थोड़ा तो इस जन्म की कथा बोलते बोलते आप सात जन्म की कथा बता दिया, सप्त जन्म मेरा पुत्र संतान नहीं होगा, और इतने सब पुण्य लगे। महाराज आप तो संत महात्मा है, कुछ तो हमारे भाग्य तो
उलट पलट कर सकते हैं कि नहीं? बोले हाँ, संत महाराज कर सकते हैं, जो भजन करने वाले संत महाराज हैं वो चाहें क्या ना चाहें कर सकते हैं, जो करते नहीं है करते नहीं है, धीरे धीरे चलो जैसे करे। महाराज आप एक पुत्र हमें प्रदान कीजिए। उनके रोना, उनके इस प्रकार रोते हुए देख करके जति वो संत महात्मा के हृदय द्रवीभूत हो गया। बोले जाओ एक फल ले लो, इस फल को तुम्हारे पत्नी को तुम खिलाओ, पति अवश्य तुम्हारे सुंदर सर्वगुण संपन्न पुत्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के आए और अपने पत्नी धुंधुली के जो है दे दिया। धुंधुली बोले कहाँ, अरे मरी कहाँ की है, फल खाने से भी बेटा होता है पुत्र होता है, बंदर तो कितने खाते हैं कितने लोग खाते हैं सब होता थोड़ी होता है, हैं ये फल फल ये सब कहाँ, मेरे पति देव कौन सा कोई संत महात्मा के चप्पड़ में आ गया, ठक संत महात्मा, फल खाने से पुत्र होता है, केला ले जाओ केला खाओ आपेल खाओ हैं हो जाए, ये बेकार की बात। किंतु पतिदेव ने कहा नहीं क्या करें, अभी भी मन में भी डर भी है, हाँ हो सकता है यदि मैं खा लिया तो गर्भ हो जाएगा, और देखो मैं तो चटपटी खटपटी खाने वाले हूँ, पेट में बच्चा हो चटपटी खटपटी नहीं खा नहीं पाएंगे, अथवा कोई चोर डकैत आ जाए मैं दौड़ नहीं पाऊँगा, और इसके सबसे बड़ी तो कष्ट है क्या है, माताओं को धन्यवाद प्रणाम है, कई महीने 6 महीने से लेकर के 8-9 महीने तक जो है जब गर्भ रहते हैं ना उसमें तो सोने में बैठने में नाजिने कितना कठिन होता है, जो माताएं हैं जो माँ गर्भधारिणी हैं उनको तो बार बार प्रणाम करते हैं, इसलिए शास्त्र में कहा गया ना मातृऋण कोई चुका नहीं सकते, ये बात सत्य है, है? चलो इसलिए उसी प्रकार धुंधुली विचार करने लगे कोई बच्चा हो जाए, पेट में बच्चा हुआ तो मेरा तो इस गए सब है, इसलिए उन्होंने क्या की अपने कोई दूर जो है संबंधी कोई एक बहन को बुलाया, बोले क्या करूं बताओ, बोले कोई बात नहीं मैं अभी अभी गर्भवती हुई हूँ 1 महीने तो हुआ ही नहीं, एक बात करना तुम मुझे कुछ पैसा दे देना है, और मेरे बच्चा होने के साथ ही साथ रात ही रात तुम्हारे घर में पहुँचा दूँ है, और बोले ठीक है, और तुम अपने पेट में क्या बंद करके रखो थोड़ा कपड़ा बंद करके, जैसे गर्भवती नारी होती है स्त्री होती है और कुछ नहीं, और ये फल को जो है तिखार फल है गाय को खिला दो। तो उन्होंने किया कि धुंधुली ने किया कि गाय को खिला दी, क्यों भाई देखो संत महात्मा के दिए हुए ये फल जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है, संत महात्मा के हाथ से स्पर्श फल किसको प्राप्ति हो जाए व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आप याद रखिए व्यर्थ नहीं जाएगा वो है, जो भजन करने वाले संत महात्मा है यदि निष्कपट रूप में कह जाओ तुम्हारे पुत्र हो जाए फल ले जाओ होगा होगा उसको है, और जो छल कपटी है उसके बले कुछ नहीं। देखो आश्चर्य की बात हुई है, गाय गर्भवती हो गई, जो गाय इतने दिन साल तक क्या थे बांस थे, आज वो गाय गर्भवती हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण के पता नहीं था जे उसके पत्नी धुंधुली वो फल के जो है गाय को खिला दी है, और अपने भी लोग दिखाने के लिए मैं गर्भवती हुई, बस गांव में हल्ला हो गया, भले भगवान जिसको देता है ना कैसे देते हैं छप्पड़ फड़ करके देता है, ये कहावत है ना छप्पड़ फड़ के क्या शब्द जानते हो, एक कृषक जमीन खोद रहे थे और खोद देखे ढंग उठा तो देखे था ये घड़ा मिला, उस घड़े में जो है देखा सोने के मोहर है, विचार करने लगे अभी तो दिन में है कोई ना देख ले इसलिए मैं रात को मैं ले जाऊंगा, इसलिए उन्होंने किया कि अपने जमीन में वो घड़े को रख करके मट्टी ये ऐसे ऊंचा करके रख दिया, ये रात में मैं ले जाऊंगा है, फिर आगे घर में जब आ करके खा पी करके रात में 8-9 बजे अपने पत्नी के बोली जी देखो आज मुझे खेती में जाना है, क्यों
ना देखो खेती में ये एक घड़ा है इसमें बहुत मोहर धन रखा हुआ है, है? और ठीक उसी दिन एक चोर उसके घर में आ गया। चोर पीछे सुना, अरे इनके घर में इनके खेती में वो घड़ा है उसमें सोना दाना मोहर है, मैं ले जाऊं। अब भाई वो चोर ने किया कि जल्दी गए और जा करके किया कि वो देखा ऊंचा स्थान है ना जमीन के ऊंचाई, वहीं से देखा क्या वो घड़ा है। भाई घड़ा के थोड़ा हटा दिखा तो घड़ा घड़ा के ऊपर था जो है वो क्या जो डंग मारते हैं क्या बोलते हैं, अरे बिच्छू नहीं वो ब्लू कलर तितली ततैया ना क्या बोलते हैं ना क्या बोलते हैं भैया है? बर्रा, हाँ बर्रा ततैया जो एक बार डंग का मारे ना बस इतने फूल जाएंगे यार। भाई देखो वो तो खोला देखे क्या उसमें दो एक आकर उसको डंग का मारा, बोले साले हाँ मुझे ऐसी कह दिया इसमें मोहर है, बोले अच्छा इनका मैं दिखा तू। बोले क्या कि चोर ने क्या कि ऊपर में उसके छत पर गए जो गृहस्थ जो सोए हुए थे ना रात को, और उसको छत को थोड़ा काटा, काट करके जो है वो घड़ा को उल्टा कर दी। घड़ा को उल्टा करने से दो चार जो ततैया तो बात चला गया और बिल्कुल जितने मोहर जो है देखो है झर कर इसलिए आज तक ये कहावत है बोले भगवान जिसको देता है कैसे छप्पर छप्पर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की धुंधकारी। अभी आइए कथा में गोकर्ण क्या बोले आत्मदेव ब्राह्मण की दबास सर्वत्र नगर में प्रचार होने लगे। देखो इनके पुत्री भी गर्भवती हुई और इनसे गाय भी, और देखते देखते नमास दस दिन होने के बाद आश्चर्य की बात है गाय भी एक बछड़ा दे गाय संतान जन्म दिया बिल्कुल मनुष्य जैसे है, केवल कान जैसे है गाय के भांति। इसने नाम ही रख दिया, क्या नाम रखा, गोकर्ण है। आत्मदेव ब्राह्मण गाय से जो पुत्र हुए उसके नाम क्या रखा, गोकर्ण। और ठीक उसी दिन मैंने जो कहा था वो जो धुंधुली उनके जो बहिन और उनके बेटा होने के साथ ही साथ रात में पहुंचा दिया और प्रचार कर दिया जी हमारे बेटा हुई है, और उनके उनके नामकरण भी पंडित लोग कर दिया, चलो माता के नाम से कर दिया जाता है। धुंधुली से नामकरण क्या कर दिया, धुंधुकारी। देखो दोनों बेटा है वो करना और धुंधुकारी धुंधुकारी है, बस बड़ा होने लगे। और देखो दोनों के स्वभाव अलग है, संत महात्मा के आशीर्वाद से कृपा से जो पुत्र हुआ गोकर्ण कैसे विनयी शास्त्रज्ञ सर्व प्रकार के गुण संपन्न, और ये दुष्ट दुराचर धुंधुकारी। स्कूल में जाते छोटे छोटे किसी के पेंसिल चुराते थे किसी के चक्कू ला करके मार देते थे, ये दुष्ट दुराचार हो गया। देखो ऐसे करते करते चले अभी तो परेशान होने लगे। आत्मदेव बोले बेटा नहीं था अच्छा ही था, ये कहां से ये आ गया धुंधुकारी, ये तो परेशान ही करे। और दिन रात पिताजी के पिटाई करने लगे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, शराब पीना है और ना जानी क्या क्या गांजा भांग आदि जो कुछ दुष्कर्म करना यही करने लगे। अच्छा देखो इसके बाद क्या हुआ, वो करना कहने लगे पिताजी ये संसार के छोड़ दीजिए, मुंजा ज्ञानं प्रजा रूपं मुंजा ज्ञानं प्रजा रूपं महतो नरके गति निपतिस्त देहोस्मिन सर्व तत्व वनं ब्रज। यदि भी अनेक उपदेश दिया गोकर्ण अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण के जो है अनेक सुंदर सुंदर उपदेश दिया, इसमें विशेष करके एक उपदेश हम जो कह रहे हैं मुंजा ज्ञानं प्रजारूपं महतो नरक एक गति। बोले ये देखो ये संसार दुखमय है, हे पिता इस संसार को छोड़ करके आप कहाँ जाए, संत महात्मा निकट जाए और जाकर के भगवान के भजन करें, यही जीवन की सार है। देखो वो कर्ण जो है अपने पिता के उपदेश दिया, और उस समय आत्मदेव ब्राह्मण ने किया कि घर संसार छोड़ करके चले गए। और इस इधर
धुंधुकारी। बोले पिताजी चले गए, मां के बोले पिताजी कहां पैसा रख दिया बताओ, पिता पैसा दो पैसा दो। रात एक बजे दो बजे शराब पी करके आते हैं और बस तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं, पिटाई करने लगे। ऐसे देख करके धुंधली दुखित हो गया, दुखित धुंधली ने किसी प्रकार से वो आत्महत्या भी कर लिया। अभी वो कर अभी और गोकर्ण देखा इस घर में रहना उचित नहीं है, ये नरक घर हो गया। इसलिए गोकर्ण भी अपने पिता के भांति तीर्थ भ्रमण करने के लिए चले गए भजन करते हुए। अभी धुंधुली धुंधुकारी घर में अकेला रहने लगे। बोले धन घर में अकेला नहीं, पांच पांच वेश्या को भी रख लिया। कितने? पांच वेश्या को रख लिया है। चोरी डकैती का करके सारे वेश्या को पालने लगे, शराब पीना करने लगे। एक दिन को एक राजा के राजमहल में गए और उससे वहीं पर बहुत मूल्यवान धन को लेकर के आया और आकर के पांच वेश्या को दिखाया। देखो देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर मूल्यवान धन लेकर के आए। पांच वेश्या तो हैरान हो गया, अरे भाई ये राजा के धन है, काल प्रातः काल के राजा के लोग जरूर आ जाएंगे और इसको तो मारेगा, हम लोग भी पिटाई करेगा। इसलिए रातों रातों में की पांचों वेश्या ने क्या की, धुंधुकारी जब सोए हुए थे वो तो शराब पी हुए थे ना, और उसके हाथ पैर की रस्सी से अच्छी तरह से कस करके बांध दिया और गले में एक रस्सी बांध करके खींचने लगे, तथापि नहीं मर रहा है। तब उस समय क्या की पांच वेश्या ने क्या की, भाई एक जलती हुई लकड़ी को ले लिया है, जलती हुई लकड़ी को वो धुंधुकारी के मुंह में डाल दिया और उस समय धुंधुकारी मर गया। जब मर जाने के बाद उनके घर के आंगन में एक कुआं था, कुआं है ना, उस कुएं में उसको डाल दिया और उसके ऊपर बड़ा एक पत्थर जो है ढक करके पांचों वेश्या ने क्या की सारे धन को लेकर के चला गया। किसी को पता ही भी नहीं है क्या हुआ हुआ नहीं हुआ। बल्कि देखो जो अपघात से जो मृत्यु होता है उसको कौन सा जनी प्राप्त होता है, भूत पिशाचिनी जनी प्राप्त हो जाता है। देखो वो धुंधुकारी पिशाच होकर के सारे गांव के लोगों को सताने लगे, डराने लगे। कोई व्यक्ति रात्रि के समय आ रहे ना, ऐसे करके आ जाता भाई, भूत आई है। कभी जब आग के भांति इतने हो जाता है, किसी के ऊपर भूत पिशाच नहीं है। हाँ भाई ये सत्य है, झूठ नहीं है, है? और सारे गांव के लोग परेशान हो गया है, लोगों के उत्पात करने लगे, गांव के लोग छोड़कर भाग गया चले गए, पहले इस गांव के छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन गोकर्ण तीर्थ भ्रमण करते करते अपने गांव में आया, देखा तो गांव वाली कोई है ही नहीं और अपने घर बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। कहाँ उसकी माँ मैंने धुंधुली और कहाँ मेरे भाई, कोई भी पता नहीं। रात में सोए हुए थे आंगन में खटिया पर सोए थे और खटिया को कैसे हिलाने लगे और रात में कोई चिल्लाने लगे। धुंधुकारी ने विचार कर गोकर्ण ने विचार करने लगे, बोले क्या बात हुई। दूसरे दिन गांव के लोगों के पूछा गया, गांव के लोग बताया जी ऐसे लगता है तुम्हारे भाई ये भूत हो मैंने आत्महत्या इसके अपघात में मृत्यु हुई। तो अपघात से मृत्यु जब हुई उसने किया कि गोकर्ण ने किया कि अनेक तीर्थ में गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा तप्ती हरिद्वार से जितने भी महातीर्थ है सब तीर्थ में पिंडदान कर दिया। पिंडदान करते हैं ना, जैसे आप पितृपक्ष गए हो पिंडदान किया, साधारण लोगों की तो उद्धार हो जाता है किंतु ऐसे महापापी जो लोग जाए ये पिंडदान में नहीं जाएगा है। बहुत कर कहने लगे मैं क्या करूं बताओ भैया मुझे बचाओ है। वो प्रेत संग कहने लगे, बोले क्या बता, मैं तो सर्व समस्त तीर्थ में तुम्हारे लिए दान पुण्य पिंड दान कर दिया है, कुछ नहीं हुआ है, क्या करें। बोले भैया मुझे बचाओ। उस समय गोकर्ण ने कहा कि देखो श्रीमद भगवत यहां पर वर्णन हो रहे हैं, गोकर्ण ने साक्षात सूर्य देवते की उपासना की बुलाया और अपने भजन के बल के द्वारा सूर्य के गति को भी रोक दिया। इसमें वर्णन हो रहा है गति को रोक करके बोले सूर्य देवता के बोले बताइए सूर्य देव
हमारे भाई की कैसे मुक्ति हो। तो उस समय सूर्यदेव सिंह भगवान कहने लगे, हे गोकर्ण देखो तुम्हारे भाई की जिससे जैसे मृत्यु हुई, इसके एक ही उपाय क्या है, भागवत कथा श्रवण करो। ये 100% सत्य है, भागवत कथा, एकमात्र भागवत कथा श्रवण करने से ही उनके सद्गति प्राप्ति होगा। इसलिए गोकर्ण ने किया कि भागवत सप्ताह शुरू किया, उनके नाम पुत करके जैसे यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग मूर्ति रखा, जैसे मैंने कहा भले जिसके जैसे इच्छा है रखो और अपने आह्वान कर लो, जैसे किसी के भाई मर गया, पिताजी मर गया, कोई मर गया, कोई भी बात नहीं है, उनके अपने आप बुला लो। गंगा जल भी हम रख दें वहीं पर, ये गंगा जल है ना, हरिद्वार से गंगा जल हम लाए और गंगा जल सबको छिटाया, मंत्र भी किया, स्वस्ति वाचन भी कर दिया सबके, एक महत्व जो कुछ नहीं किया सभी कर दिया, उनको बुला दिया, हरी कथा श्रवण हुई। देखो 7 दिन भागवत कथा श्रवण हुई, इतने सुंदर गोसाई गोकर्ण भागवत कथा श्रवण किया। एक एक दिन कथा श्रवण होने लगे, कथा होने लगे, और एक एक बांस, एक बांस को गाड़ दिया था, कोई कथावाचक कहते हैं चलो, तो एक एक बांस को जो है गांठ ऐसे टक टक कर खड़ने, ऐसे करके 7 दिन जब समाप्त हुई, और साक्षात उनके भाई गोकर्ण के भाई धुंधुकारी प्रेत जन से मुक्त होकर के साक्षात देव रूप धारण करके प्रकट हुई, और साक्षात भगवान विष्णु के दूत आकर के भगवान साक्षात भगवान से वैकुंठ से उनके दिव्य विमान भी आ गया, और उसी विमान में बैठ करके वो साक्षात भगवत वैकुंठ धाम में चले गए। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की। जो लोग कथा सुन रहे थे कहने लगे, भैया आप ऐसे पक्षपात कैसे कर दिया, हम लोग कथा सुनी और तुम्हारे भैया भी कथा सुने, और उनको अपने भैया को वैकुंठ भेज दिया और हमने कैसे भेज दिया। जैसे कोई एक बात व्यक्ति कह रहे हैं, बोले देखो ये व्यक्ति मरने वाला था, हमारे कोई ब्रह्मचारी जो है उसको जाकर के वो के चरणामित दिया, चरणामित देने के साथ ही साथ गंगा जल चरणामित और तुलसी दे दिया, देने के साथ साथ 2 मिनट में चले गए, और वो जा करके डॉक्टर के साथ दूसरे के साथ लड़ने लगे, तुम्हारे ब्रह्मचारी क्या हमारे देखो क्या मंत्र कर दिया हमारे पिताजी, अब ये भी चले गए। अच्छा अच्छा है कि नहीं है, बोले वास्तव सत्य है, कोई व्यक्ति मरने वाले है उसकी तुलसी पत्ता रख दे दो, गंगा जल पान करा दो, चरणामृत दे दो, बस उनके शरीर छोड़ करके नित्य भगवत धाम में चले जाएंगे। तो कहते हैं अपने भाइयों के, तो अपने भाई तो आपने कहाँ भेज दिया वैकुंठ में, और हम लोग श्रवण किया, हम लोग के लिए कुछ नहीं आया। तो उस समय गोकर्ण ने कहा, भाई इसमें हमें कोई दोष नहीं है, श्रवण तो नहीं व फलम, इसमें आ रहे हैं श्रवणे तो नहीं व फलम, केवल सुनने से आपके फल नहीं मिलेगा, भैया कान खोल के सुनो, सुन रहे कि नहीं, क्या बोला, श्रवणे तो नहीं व फलम, केवल भागवत कथा सुनने से फल नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, मनने तु फलम, उसके चिंतन करना पड़ेगा। जैसे आज जो कथा श्रवण करके गए हैं, रात को सोते हुए समय उसी कथा को स्मरण करें, फिर काल आकर के फिर कथा श्रवण करें, इसी प्रकार ये भागवत महात्म श्रवण कराया। इस भागवत कथा श्रवण करने से जीव की परम कल्याण हो जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण सधाम पगते, कृष्ण जब दापर लगी लाप करके जब चले गए, तब स्वयं भगवान ये भागवत रूपी सूर्य अर्क माने सूर्य स्वयं ही प्रकट हुए हैं। इस भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए, और विशेष करके अभी जो महीने है ये पुरुषोत्तम महीने है, ये पुरुषोत्तम महीने में यदि कई सद वैष्णव के संत महात्मा के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण किया, उनके फल क्या बताऊं, इसके फल है, उसके फल हम आगे जाकर के बताएंगे। बलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। 2 मिनट कीर्तन कर दे फिर महाराज जी बताए, हाँ भगवत ज्यादा समय नहीं। तात मिले पुण्य मात मिले सोच भ्रात मिले मिले राज मिले राज मिले
सब साज मिले मनवा लोक मिले सुरी लोक मिले विधि लोक मिले जाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई संतन के संग लागे अच्छी तो देने
Hare 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 Hare